सब्सक्राइब टू माय चैनल सिविल अप टू डेट। आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आज का हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 4 ए इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 4 ए टू रूट ए एक्स डी वाई डी एक्स। तो ये हमारा इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग को चेंज ऑफ ऑर्डर के साथ परफॉर्म करना है। चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब ये जो हमारी लिमिट्स दी हैं ये y की लिमिट है x के फॉर्म में और ये हमारी x की लिमिट है जो कि कांस्टेंट है, तो हमें लिमिट्स रिवर्स करनी है। और ये y की लिमिट थी तो dy से इंटीग्रेशन होना था और हम लिमिट्स बदल देंगे यानी x की लिमिट y के फॉर्म में ले आएंगे, तो अब हमारा इंटीग्रेशन dx के साथ होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं। तो ये जो पहली लिमिट है y1 is equal to x square by 4 है, y1 is equal to x square by 4 है, मतलब ये क्या दे रहा है x square is equal to 4 a y। ये हमारा U शेप का पैराबोला होता है। दूसरी लिमिट है y2 is equal to 2 root a x, अगर स्क्वायर कर देंगे तो y2 square is equal to 4 a x, यानी ये हमारा C शेप का पैराबोला होता है। तो ये हमारे दो कर्व्स आ गए, इनके बीच का ये कॉमन रीजन हम लोग को मिल रहा है। और जब हमारा y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, जैसा कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमें लिमिट्स मिल रही हैं ये y की लिमिट्स है x के फॉर्म में, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप इंटीग्रेशन होता है। यानी ये जो इंटीग्रेशन है जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है ये वर्टिकल स्ट्रिप इंटीग्रेशन है। देखा भी जा सकता है, y की लिमिट देखें तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट ये जो पैराबोला है ये कौन सा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए वाई वन, यानी वाई वन का वैल्यू क्या आएगा x स्क्वायर बाई 4 ए। ठीक है, लोअर लिमिट सेटिस्फाई है। अपर लिमिट का पैराबोला ये है, ये क्या है y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए एक्स, यानी y2 आएगा 2 रूट ए एक्स, तो ये भी ठीक है। और x की लिमिट 0 से कहां तक जा रही है, ये पॉइंट है 4a, 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 4a होता है। अगर हम इन दोनों को सेटिस्फाई कराएंगे तो इनका कॉमन पॉइंट 4a, 4a आएगा, जो कि ये वाला पॉइंट है 4a, 4a। अब जब हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो चेंज ऑफ ऑर्डर में इस वर्टिकल स्ट्रिप की जगह हमको लाना है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की लोअर लिमिट होगी ये, जो कि x की लिमिट होगी y के फॉर्म में, और अपर लिमिट होगी ये राइट वाली। तो इसको देखते हैं, तो लोअर लिमिट का हमारा पैराबोला कौन सा है, ये y2 square is equal to 4 a x, यानी x का लिमिट क्या आएगा y square by 4 a, ये लोअर लिमिट आएगा। अपर लिमिट ये RHS वाली कर्व होगी, ये है x square is equal to 4 a y, यानी x is equal to 2 root a y, ये हो गई अपर लिमिट। अब y की लिमिट ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहां से कहां वेरी करेगी, 0 से 4 a तक, वैसे ही जैसे ये वर्टिकल स्ट्रिप ये भी 0 से 4 a जा रही थी x में, यहां y की लिमिट भी 0 से 4 a जा रही है। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन होना है ये तो dx dy हो जाएगा। अब पहले x से इंटीग्रेशन होगा क्योंकि x की लिमिट है, x की लोअर लिमिट क्या है y स्क्वायर बाई 4 a, x की अपर लिमिट क्या है 2 रूट ए वाई। और y की लिमिट ये कहां से कहां वेरी होगा, 0 से 4 a तक। अब अगर इसका इंटीग्रेशन देखें, इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, सिंपल हमें इंटीग्रेट करना है इस वैल्यू को i इज इक्वल टू, तो x में यहां कुछ नहीं है हम इसे 1 मान सकते हैं, तो dx के साथ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से 4 a, यहां आएगा x, लिमिट हम लोग देखेंगे y स्क्वायर बाई 4 a से 2 रूट ए वाई, यहाँ डी वाई, यानी ये हो जाएगा 0 से 4 a, x की जगह ये लिमिट्स डालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 रूट ए वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 a डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं फर्दर, तो ये मिलेगा 2 रूट ए, ये y का पावर 1/2 है रूट वाई, y का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y का पावर 3/2
और अपॉन 3/2 आएगा, तो उसको मैं 2/3 लिख सकता हूँ यहाँ पर, -1/4a, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³/3। अब यहाँ लिमिट्स 0 से 4a, तो 2 2 ज़ा 4, ये 4/3 इंटू ए का पावर 1/2, y की जगह डालेंगे 4a, तो 4 का पावर 3/2 और a का पावर 3/2, दोनों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया है, 0 आ जाएगा, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। -1/4 3 ज़ा 12 a, y³ यानी 4a का क्यूब यानी 4 का क्यूब इंटू ए का क्यूब। तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए का पावर 1/2, ए का पावर 3/2 यानी 4/2, 4/2 यानी 2, और 3/2 और ये यहाँ 1, तो ये हम लोग को मिल जाएगा 5/2। ये हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा इन दोनों का, ए स्क्वायर, और 4 का पावर जो 3/2 होगा, अगर 4 का पावर 1/2 करें यानी √4, तो हो जाएगा 2, और 2 का क्यूब 8, तो 4/3 × 8, ये 4 का पावर 3/2 हमें 8 दे रहा है, -1/12, ए और ए क्यूब मिलके हमारा हो गया ए स्क्वायर, 4 का क्यूब 64, तो यहाँ से 32 a² / 3 माइनस, इसको 4 से कैंसिल कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 16/3 a² यानी अल्टीमेटली 16 a² / 3। तो ये था हम लोगों ने क्वेश्चन किया चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से। ऐसे हम लोग एक दो और क्वेश्चन अगले वीडियोस में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को।